नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब 3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पॉपुलर इथेरियम एनएफटी कलेक्शन अज़ुकी के वेब 3 स्टार्टअप चिरू लैब्स ने मंगलवार को घोषणा की कि वो 20,000 नई एनएफटी जारी करके अपने प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं। नई कलेक्शन अज़ुकी एलिमेंटल्स एडिशनल प्रोफाइल पिक्चर्स के साथ ओरिजिनल एनीमे थीम्ड प्रोजेक्ट के यूनिवर्स को एक्सपैंड करेगी। 10,000 एग्जिस्टिंग अज़ुकी एनएफटी ओनर्स को पहले से ही एलिमेंटल्स में से एक के लिए एक टोकन एयरड्रॉप किया जा चुका है, जिससे सप्लाई का आधा हिस्सा पब्लिक सेल के लिए छोड़ा गया था। शुक्रवार को लॉस वेगस में फॉलो द रैबिट कम्युनिटी इवेंट में अज़ुकी होल्डर्स एलिमेंटल्स के एयरड्रॉप से सरप्राइज थे, लेकिन आर्ट अभी तक रिवील नहीं किया था। बाकी एलिमेंटल्स मंगलवार सुबह 9:20 PST पर डच ऑक्शन के माध्यम से 2 ETH पर पीस की शुरुआती कीमत पर सेल के लिए अवेलेबल होंगे। अज़ुकी एनएफटीज के करंट होल्डर्स के पास ऑक्शन शुरू होने से पहले प्रेफरेंशियल प्री सेल में एडिशनल एलिमेंटल्स खरीदने के लिए 10 मिनट की एक स्लिम विंडो होगी, जबकि बीन्स एनएफटी के ओनर्स को एलिमेंटल्स एनएफटीज को स्नैचअप करने के लिए पब्लिक सेल के ठीक पहले 10 मिनट का समय मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वॉनरेयर ने फूड इंडस्ट्री में न्यू एज ब्रांड के प्लेटफॉर्म विनग्रीन्स वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य वॉनरेयर द्वारा लाए गए डिजिटल कलेक्टेबल्स और ब्लॉकचेन के साथ ब्रांड विनग्रीन्स फार्म की डिलाइट्स को जोड़ना है। एक ऑफिशियल रिलीज के अनुसार वॉनरेयर के साथ विनग्रीन्स फार्म अपने 3 प्रोडक्ट्स को मेटावर्स के माध्यम से विश्व स्तर पर इंग्रीडियंट एनएफटीज के रूप में पेश कर रहे हैं। कथित तौर पर ओरिजिनल ओलिव हमस, तंदूरी सॉस और चिपोटले डिप को फूडवर्स के होम शेफ्स के लिए डिजिटल कलेक्टेबल्स के रूप में अनावरण किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि विनग्रीन्स अपने फैंस के फेवरेट प्रोडक्ट्स पर आधारित फूडवर्स में 9 डिशेस लॉन्च करेगा। विनग्रीन्स वर्ल्ड के को फाउंडर विक्रम आदित्य चौधरी ने कहा, हम नई टेक्नोलॉजीज द्वारा अनलॉक्ड पॉसिबिलिटीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फूडवर्स के साथ हम विनग्रीन्स वर्ल्ड को डिस्कवर करने की उम्मीद करते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। मेटागॉड क्रिएटर्स एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म जो लोगों को मिक्स्ड रियलिटी में स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन का अनुभव करने के तरीके को बदलने के लिए तैयार है। इसने मेटावर्स प्लेटफॉर्म में वृंदावन चंद्रोदया मंदिर ट्रस्ट के लिए फेज 1 मैंडेट जीता है। अकाउंट को मेटागॉड के दिल्ली ऑफिस द्वारा मैनेज किया जाएगा। मैंडेट में मंदिर के फेज 1 साउथ विंग का मेटावर्स प्लेटफॉर्म डिजिटल फंड रेजिंग स्ट्रेटजी और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लानिंग के साथ साथ वर्चुअल वर्ल्ड में ब्लेंडेड कई डिजिटल एक्टिविटीज का एग्जीक्यूशन शामिल है, जो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के दुनिया के प्रमुख स्थानों जैसे बुर्ज खलीफा, टाइम्स स्क्वायर, नास्टैक और कई अन्य स्थानों पर आर्ट स्पेस खरीदने के लिए VCM टेम्पल मीडिया का एक्सपीरियंस द्वारा सुविधाजनक है। इस्कॉन बैंगलोर के भक्तों द्वारा एक इनिशिएटिव वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, इस्कॉन बैंगलोर के भक्तों द्वारा एक पहल, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर भारत के वृंदावन मथुरा में अंडर कंस्ट्रक्शन विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। कई एकर्स में फैला ये मंदिर शायद भारत की सबसे ऊंची, भव्य और सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होगी। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि 70 मंजिला ऊंचे मंदिर में एक कैप्सूल एलिवेटर की सुविधा होगी, जो विजिटर्स को राउंड लेवल से टॉप के करीब स्थित देखे जाने वाली गैलरी तक ले जाएगी, जिससे ब्रज एरिया का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिखाई देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेटावर्स प्लेटफॉर्म कंपनी एवटार लाइफ ने हाल ही में इन्फो एज वेंचर्स से सीड राउंड में $1.5 मिलियन जुटाए हैं। एक ऑफिशियल रिलीज के अनुसार फंड एक्विजिशन के हिस्से के रूप में कंपनी कैपिटल को प्रोडक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट, कम्युनिटी बिल्डिंग और ग्लोबल टीम एक्सपेंशन में लाने की योजना बना रही है। इन्फो एज वेंचर्स के पार्टनर चिन्मया शर्मा ने कहा, हमारा मानना है कि इंटरनेट का नेक्स्ट इटरेशन गेम्स और सोशलाइजेशन को एक साथ लाएगा। इसके लिए डिजाइन और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की आवश्यकता भी हो सकती है। मेरा मानना है कि एवटार लाइफ की फाउंडिंग टीम के पास इस क्षेत्र में कुछ नया करने के स्किल्स और एक्सपीरियंस है। ओवर टू यू रोशनी। पिक्सियन गेम्स एक वेब 3 गेमिंग स्टूडियो ने डेवलपर्स के प्रमुख गेम फैबल बॉन्ड को बनाने के लिए सीड फंडिंग में $5.5 मिलियन जुटाए हैं। इस राउंड में एवलांच फाउंडेशन ने ब्लिजर्ड फंड, इन्वेस्टमेंट फर्म शीमा कैपिटल, गेमिंग डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन रेडी प्लेयर डाओ और अन्य सहित कुछ नोटेबल इन्वेस्टर्स की भागीदारी देखी है। पिक्सियन ने फंड को स्टूडियो के एक्शन बेस्ड रोल प्लेइंग गेम फैबल बॉन्ड में लगाने की योजना बनाई है, जो प्लेयर को एवलांच नेटवर्क के ऊपर निर्मित ऑनचेन एसेट के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। गेम प्लेयर्स को प्लेयर टेस्ट में भाग लेने के लिए इन्वाइट कर रहा है
और अगले कैलेंडर ईयर के भीतर पब्लिक लॉन्च करने का लक्ष्य रख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.tv या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।